हेलो एवरीवन, आज हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे 10th NTSC के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, व्हाट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ओके, तो ये सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है, ये किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्रॉपर्टी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फिनोमिनन हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, उन वो सभी किसकी वजह से होते हैं? आपके चार्ज की वजह से होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन। इलेक्ट्रिक फिनोमिनन जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फिनोमिनन क्या क्या हो गया, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक डायपोल हो गया, और आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, ये सब आपकी मैग्नेटिक फिनोमिनन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये इसकी जो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद इसकी जो यूनिट है, SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है इसकी कूलाम इज द SI यूनिट। इसको हम C से लिखते हैं कूलाम को, ठीक है, कैपिटल C से। उसके बाद इसकी आगे CGS यूनिट। तो CGS यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की CGS यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपकी जो 1 कूलाम है वो किसके बराबर होता है? 3×10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? चार्ज की CGS यूनिट है, ठीक है। तो अब हम चार्ज की अगर बात करें, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अब देखो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आनी भी चाहिए, और इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस हम करेंगे क्वेश्चंस की भी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले तो चार्ज ना दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जो सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम नेचर चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम नेचर चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर चार्ज आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट नेचर चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू इच अदर। जैसे प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे ठीक है। अगर माइनस माइनस ले लेंगे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर प्लस और माइनस आपने लिया है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम नेचर चार्ज रिपेल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज की, जो आपका चार्ज है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बस आप इसमें इतना याद रख लो कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि मूविंग चार्ज वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अगर आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा हो, अगर ऑप्शन में क्या दे रखा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे टिक करना है, ठीक है। अगर आपको दे रखा हो कि जो मूविंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है या स्टेशनरी चार्ज, अगर ये ऑप्शन में है तो आपको यही टिक करना है, चाहे वो आपका मूविंग चार्ज हो चाहे आपका वो स्टेशनरी चार्ज हो, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि सभी चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों को कलेक्टिवली, बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको टिक करना है, ओके। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। और एक और देख लो इसमें, ये आपका था स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इसमें आपको गिवन हो कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एक्सेलरेटेड चार्ज, ऐसा चार्ज जिसमें एक्सेलरेशन हो, जिसमें क्या हो, एक्सेलरेशन हो, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, EMW। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आपको देखो, ये आपकी दो प्रॉपर्टी होगी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें, थर्ड जो चार्ज की प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि जो चार्ज है इट ऑलवेज कंजर्व्ड। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि हम चार्ज को ना तो बना सकते ना चार्ज को हम क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। वी कैन जस्ट ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपके पास है ना, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इस पे चार्ज कितना है, जीरो है, इस पे चार्ज भी कितना है, जीरो। दोनों पे नेट चार्ज कितना है, जीरो है। दोनों पे नेट चार्ज कितना है, जीरो है, ठीक। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैंने क्या कर लिया, इसमें से कुछ चार्ज इसको दे दिया, मान लो मैंने +2 कूलम चार्ज इसको दे दिया। कितना चार्ज दे दिया इसको, +2 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2 कूलम आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे नेट अभी भी जीरो ही रहना चाहिए। हमने चार्ज को बनाया नहीं है ताकि कुछ चार्ज इस पे आ जाए, हमने तो चार्ज को ट्रांसफर किया है। तो इसमें से +2 इसको दे दिया, तो इस पे -2 आ जाएगा। अब इसका और इसका दोनों का चार्ज मिला के अभी भी कितना है, this one अभी भी कितना है, जीरो है। तो चार्ज को ना तो बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं, एक चार्जिंग का एक मेथड पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब जब किसी, मान लो अपने पास ये कोई ग्लास रोड है, एक ही ग्लास रोड है, ग्लास रोड है ये, इसको हम सिल्क के साथ, ये सिल्क का कोई कपड़ा है, सिल्क के साथ इसको रब करेंगे, सिल्क के साथ रब करेंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस का चार्ज आएगा। और जितना प्लस का चार्ज इस पे आएगा, उतना ही माइनस का चार्ज सिल्क के ऊपर आ जाएगा, उतना ही माइनस का चार्ज किस पे आ जाएगा, सिल्क के ऊपर आ जाएगा। तो जितना इस पे प्लस का है उतना इस पे माइनस का है, तो टोटल चार्ज अभी भी कितना है, जीरो है। हमने चार्ज को बनाया नहीं है, हमने तो चार्ज को क्या किया है, ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो अब देखो,
ये आपकी थी थर्ड प्रॉपर्टी की चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्लस का चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी पे उतना ही माइनस का चार्ज भी आएगा। ये आपका है जो आपका चार्ज है वो क्या है, ऑलवेज कंजर्व्ड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती चार्ज की, फोर्थ प्रॉपर्टी चार्ज की क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज है इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है जो चार्ज है ना, चार्ज अगर देखा जाए तो चार्ज किसके पास होता है, चार्ज कैरिंग जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, चार्ज कैरिंग फंडामेंटल पार्टिकल जिसके पास चार्ज होता है, चार्ज कैरिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो दो ही ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, अब चार्ज दो टाइप का है, तो एक पे हमने क्या मान लिया, माइनस का मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, प्लस का मान लिया। हमने मान रखा है, मतलब ये कन्वेंशन है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फिक्स नहीं है कि इस पे माइनस का ही है, इस पे प्लस का है, ये एक साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो दो पार्टिकल है जिसके पास चार्ज होता है, तो दो ही प्रकार का चार्ज है, तो एक पे क्या मानना पड़ेगा माइनस का, तो दूसरे पे क्या मानना पड़ेगा प्लस का। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या मान लिया माइनस का, इस पे क्या मान लिया प्लस का। फिर एक क्या था, देखो एक एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट था मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज मेजर कर लिया, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे क्या कर लिया, चार्ज को मेजर कर लिया, कितना कितना चार्ज है इस पे। ये तो माइनस प्लस इनका नेचर है चार्ज की, चार्ज की नेचर तो माइनस प्लस है, लेकिन चार्ज है कितना, चार्ज को मेजर किया इलेक्ट्रॉन पे भी प्रोटॉन पे भी, किसने मेजर किया, मिल्केन ने, मिल्केन ने मेजर किया, इसको बोलते हैं मिल्केन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे मेजर किया। तो चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दोनों पे चार्ज बराबर था, दोनों पे चार्ज क्या था बराबर था, इलेक्ट्रॉन पे भी प्रोटॉन पे भी। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या मान रखा है हमने माइनस का, तो इस पे बोलेंगे माइनस दिस वन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना मान रखा है, प्रोटॉन पे मान रखा है प्लस का, तो इस पे क्या हो जाएगा, 1 + 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, चार्ज दोनों पे बराबर है। ठीक है, अब ये जो आपकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम ई से लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया प्लस ई, ई का मतलब है ये वैल्यू। तो ई किसके बराबर, आपकी ई, मैंने इसको लिखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम को, इसका मतलब होता है ई। ठीक है, अब मान लो अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सभी के पास होते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सभी के पास होते हैं। अब चार्ज कब आएगा किसी बॉडी के ऊपर, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा या उसमें से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आएगा, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या उसमें से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अब प्रोटॉन्स, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर कन्फाइंड वेरी स्ट्रॉन्गली, आर बाउंडेड विद ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो किसके अंदर कन्फाइंड है, न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है, न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन्स को निकालना इतना आसान काम नहीं है, प्रोटॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं है। तो प्रोटॉन्स जो है वो बाहर नहीं निकलते, बाहर कौन निकलेंगे, ट्रांसफर किसका होगा, ट्रांसफर सिर्फ होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज आता है, जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा, तो इसका मतलब उस बॉडी में से किसका ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर मतलब या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं या उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है, या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब किया है या उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है। ठीक है, अब देखो मान लो कि इसके पास ना, इसके इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का, उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा, उस पर चार्ज कैसा आएगा,
माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना चार्ज आएगा, ये तो हो गया नेचर की बात होगी, अब कितना चार्ज आएगा। अब मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर इतना चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही तो चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर मान लो आपने एन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, एन इलेक्ट्रॉन को, तो चार्ज कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो अगर एन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया तो इस पे प्लस का एन टाइम्स ऑफ ई आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई आ जाएगा, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस एन टाइम्स ऑफ ई आ जाएगा। तो ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफर किया, और ये क्या है ई, ई आपका है 1.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज हमेशा जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, ई की टर्म में ट्रांसफर होगा। वन ई आपने दे दिया, दो ई दे दिया, तीन ई दे दिया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा क्वांटा की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एक क्वांटा ट्रांसफर कर दिया, दो क्वांटा ट्रांसफर कर दिया, तीन क्वांटा ट्रांसफर कर दिया। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटा का मतलब क्या होता है, क्वांटा मीन्स पैकेट। तो चार्ज जो है ना वो पैकेट की फॉर्म में है, और एक पैकेट में कितना चार्ज है, ई के बराबर। तो या तो आप एक, आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया मतलब आपने एक चार्ज का क्वांटा ट्रांसफर कर दिया, आपने दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया मतलब आपने कितना चार्ज ट्रांसफर कर दिया, दो क्वांटा चार्ज आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्वांटा की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये है क्वांटाइजेशन का मतलब। तो अगर चार्ज हमेशा क्वांटा की फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो चार्ज किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। यहाँ पे एन क्या है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब देखो अगर बॉडी ने एन इलेक्ट्रॉन, अगर बॉडी ने, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉडी ने एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, लूज किए हैं, क्या किए हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए हैं, उसमें से रिलीज किए हैं उसने, एन इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, रिलीज किए हैं, तो उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगर उसने एन इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उसने क्या किए हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, अब्जॉर्ब किए हैं, तो उस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो प्लस का कब लेना है, प्लस का साइन कब लेना है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। माइनस का साइन कब काउंट करना है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो चार्ज हमेशा, किसी भी बॉडी पे चार्ज हो वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल एन टाइम्स ऑफ ई होगा, और एन क्या है, यहाँ पे एनी इंटीजर है। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब देखो यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हम एक दो न्यूमेरिकल यहां पे करेंगे। देखो भाई अपने पास में एक बॉडी है और ई कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें से इस बॉडी को, बॉडी वन में से बॉडी टू में दो कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, कितने कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, दो कूलम चार्ज। तो इसमें से दो कूलम चार्ज इसमें आ गया, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे प्लस टू कूलम चार्ज आ गया, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस टू कूलम चार्ज आ जाएगा। ये मैंने कैसे बताया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बताया, कि अगर इस पे प्लस दो आया है ना तो इस पे माइनस दो आएगा। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे देखो, तो इस पे प्लस टू कूलम चार्ज आ गया, तो प्लस का चार्ज किस पे आता है, देखो अगर यहां इस पे दो कूलम चार्ज आया ना प्लस का चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लोज करता है, लोज करेगा, तो उस पे प्लस का चार्ज आएगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं इसमें से इसमें, तब इस पे प्लस का आया है, इस पे माइनस का आया है। अब आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इसके बीच में, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मान लो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो देखो कितना चार्ज आया इस बॉडी पे, इस बॉडी पे चार्ज आया प्लस दो कूलम,
और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो चार्ज है किसी बॉडी पे वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। तो चार्ज किसके बराबर लेना, एन ई के बराबर लेना है। अब आपसे पूछे कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय बॉडी टू, इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। और जितने ये बॉडी रिलीज करेगी उतने ही ये बॉडी क्या कर लेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब ये क्या कर लेगी, उनको अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, अब्जॉर्ब कर लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, दो कूलम हो गया। एन की वैल्यू निकालनी, ई क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो कूलम से कूलम आपका कैंसिल हो जाएगा, एन आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2 / 1.6 × 10⁻¹⁹। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12.5 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। तो एक तो इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें तीन चीजें हैं अपने पास, तो आपको दो, ये तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो आपको ये दे रखा है, ये पूछा गया है। कई बार आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, आपको ये बता देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो बताओ कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो बताओ कितना चार्ज आएगा। अब देखो, जब भी किसी बॉडी में से चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ पे इस पे प्लस दो कूलम चार्ज आ गया, इस पे माइनस दो कूलम चार्ज आ गया, तो प्लस का चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उस पे चार्ज आएगा प्लस का। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें से एन इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, बॉडी वन में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या इन दोनों बॉडी के मास में कुछ चेंज आया, क्या दोनों बॉडी के मास में कुछ चेंज आया। हाँ, दोनों बॉडी के मास में भी चेंज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन के पास तो क्या है, मास है। अब देखो, इसका मास घटेगा या बढ़ेगा, इसका मास घटेगा या बढ़ेगा, इस बॉडी का मास घटेगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इस बॉडी का मास आपका बढ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना मास घटेगा या कितना मास बढ़ेगा। तो मास किसके बराबर होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इनटू एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे कितना आ गया हमारे, ये एन आ गया हमारा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेना है आपको, 9.1 × 10⁻³¹। इसमें है, ये किलोग्राम में है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी चार्ज की। हम चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हालांकि फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने फोर्थ में डिस्कस कर ली कि भाई चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन का भी मास है। तो जिस बॉडी पे चार्ज होगा ना, उसका मास भी होता है। तो चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन मास तो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आपका न्यूट्रॉन है, क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है, नहीं, लेकिन उसके पास मास तो है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है आपकी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज है, चार्ज इज
इनडिपेंडेंट, चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से दैट इनडिपेंडेंट ऑफ चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इसका मतलब ये है कि अपने पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज मान लो कितना है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इस पे चार्ज मान लो कितना है, दो कूलम चार्ज है। ये बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट पे है। ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। अगर ये बॉडी आपकी मूव करने लग जाए, अगर ये मूव करने लग जाए तो क्या इसके ऊपर जो चार्ज था, जो इस पे दो कूलम चार्ज था, वो घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा? तो इस पे चार्ज अब भी कितना रहेगा, दो कूलम ही रहेगा। इसका मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे हो या मूविंग हो, चार्ज उस पे जो है वो उस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता कि वो मूविंग है या वो रेस्ट पे है। यही है इसका मतलब। जस्ट आपको यही इतना याद रखना है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, चार्ज इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं देखूंगा यहाँ पे, वो इसी प्रॉपर्टी से सोल्व हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होंगे, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दोगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं इसकी। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन किस पे है, रेस्ट पे है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज, जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गया, मूविंग है ये इलेक्ट्रॉन आपका, मूविंग है ये, मूव करने लग गया, और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है c/2। व्हाट इज c, हियर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन अब मूव करने लग गया तो बताओ उस पे चार्ज कितना होगा, देन द न्यू चार्ज ऑन इट, द न्यू चार्ज ऑन इट इज, कितना चार्ज इस पे होगा। भाई आपका इलेक्ट्रॉन मूव करे या रेस्ट पे हो, चार्ज तो सेम रहता है, क्योंकि चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं, तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इफ ग्लास रोड इज रब्ड, क्या कहता है, देखो ग्लास रोड आपके पास, ये कोई ग्लास रोड है, इसको सिल्क के साथ रब किया गया, ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रोड को रब किया गया सिल्क के साथ। इफ ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क, इट अक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब इसको सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहले ऑप्शन क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज बिकॉज क्यों आया इस पे पॉजिटिव चार्ज, पहला ऑप्शन कहता है प्रोटॉन्स आर एडिड, क्या इसमें प्रोटॉन्स ऐड हो गए, प्रोटॉन्स आर एडिड, क्या इसमें प्रोटॉन्स ऐड कर दिए, भाई प्रोटॉन्स का तो लेन देन कर ही नहीं सकते, प्रोटॉन का तो लेन देन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर नहीं आ सकते, बहुत आसान नहीं है उनको बाहर निकालना। तो बी क्या ऑप्शन है, प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड, भाई प्रोटॉन्स को ना तो ऐड कर सकते ना रिमूव कर सकते, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, देखो सी ऑप्शन में दे रखा है इसने
इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, उस पर चार्ज आएगा भाई नेगेटिव। ग्लास रोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, लास्ट ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ये आपका सही है। जब किसी में से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, उस पर चार्ज आएगा आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है। तो एक यहां पे पूछा गया, देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एक्सेलरेटेड या डीएक्सेलरेटेड चार्ज, तो एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बी ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ओनली, सी दे रखा है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और डी दे रखा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दैट आर रेडिएटेड, रेडिएटेड मतलब मूविंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक ही जगह पे है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, वो आगे आगे नहीं बढ़ रहे, आगे मूव नहीं कर रहे वो, तो डी ऑप्शन इसमें है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दैट आर रेडिएटेड दैट आर मूविंग। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों मूव करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मूविंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम इसके ऊपर, और देखो एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां गिवन है टू स्फीयर ऑफ सेम मेटल, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल के हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सेम मेटल है, सेम साइज है, बिल्कुल एक जैसे दो स्फीयर हैं। वन इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस क्यू कूलम, एक को कितना चार्ज दे दिया, देखो अपने पास क्या गिवन है, अपने पास गिवन है दो स्फीयर, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, सेम साइज है, सेम मेटल के बने हैं, इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू, दूसरे को चार्ज दे दिया माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, विच विल हैव हायर मास, किसका मास ज्यादा होगा, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m1 मान लेता हूं, इसका मास मान लो m2 है, तो m1 और m2 में से कौन ज्यादा होगा, ऑप्शन दे रखे हैं कि m1 आपका m2 के बराबर होगा, बी ऑप्शन दे रखा है कि भाई m1 आपका ज्यादा होगा m2 से, सी ऑप्शन दे रखा कि m1 छोटा होगा m2 से, डी ऑप्शन दे रखा कि भाई m1 मतलब नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस दे रखा है, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। तो भाई माइनस का चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है, इसने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर रखा है तो इसके पास मास बढ़ गया, प्लस का चार्ज